माँ आपकी इस घर में जरूरत नहीं है। विमला जी एकटक नजरों से अपने तीनों बेटों को देख रही थी, पर किसी ने भी उन पर तरस नहीं खाया और अपने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। वो मायूस सी उठी और एक बैग में चार साड़ियाँ, अपने पति की तस्वीर, कुछ कागजात भरे और सिसकते हुए अपने बनाए घरौंदों को निहारती रही। इसी घरौंदे में वो ब्याह कर आई थी। एक एक कमरे की साज सज्जा की थी, पर्दों से लेकर फर्नीचर तक खुद ने सालों तक घर बसाया था। घर का हर कोना गवाह है कि वो अपने घर से कितनी जुड़ी हुई है। और अचानक तीनों बेटों ने फरमान सुना दिया, आप यहाँ से चली जाइए, आपकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। आप होती हैं तो घर में झगड़े होते हैं, हमारी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है। ये सुनकर विमला जी जड़वत रह गई थी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने ही बेटों से ये सुनने को मिलेगा। आखिर जिन बेटों को जन्म दिया, अपने खून पसीने से बड़ा किया, वो ही अपनी माँ से पल्ला झाड़ लेंगे। वो तो इसी उम्मीद में जी रही थी कि तीन बेटे हैं, मैं तो राज करूंगी। पर उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया। जब बड़े बेटे मनोज का जन्म हुआ था तो घर में उत्सव मनाया गया था। सालों बाद घर में लड़का हुआ था, क्योंकि उनकी जेठानी दीपा जी की चार बेटियां थी और सास पोते के इंतजार में पलके बिछा कर बैठी थी। जब विमला जी ने लड़की को जन्म दिया तो घर में खुशी आ गई थी। मनोज पूरे घर का चहेता और लाडला था, सभी उसे सिर आंखों पर बैठाते थे। मनोज के बाद दूसरे बेटे राघव का जन्म हुआ। राघव छोटा था और अपनी हर बात मनवा लेता था। कोई भी गलती करता था वो अपने बड़े भाई पर डाल देता था। उसकी वजह से मनोज को डांट पड़ने लगी थी, इसलिए वो उस पर गुस्साया रहता था। राघव के बाद तीसरे बेटे रोहन का जन्म हुआ। वो और भी ज्यादा नटखट था और अब उसकी वजह से राघव को डांट पड़ती थी। अपने बेटों की हरकतें देखकर विमला जी फूली नहीं समाती थी और हर समय अपनी किस्मत पर इतराती थी। दीपा जी की चारों बेटियां बड़ी हो रही थी, इधर विमला जी के तीनों बेटे भी बड़े हो गए। जब दीपा जी ने पहली बेटी की शादी की तो वो बहुत रोई थी। तब सास ने सुनाने का मौका नहीं छोड़ा था, अरे तू अभी रो रही है, मैं तो इसके जन्म पर ही रोई थी। लड़की चाहत है, एक दिन चली जाएगी और साथ में दहेज भी ले जाएगी। अभी तो तीन और हैं, ये बेटियां तो घर में होनी नहीं चाहिए। तभी उससे छोटी बेटी बोलती है, दादी ऐसा क्यों कहती हो, आप भी तो किसी की बेटी हो और जो दो बुहे घर में लाई हो वो भी तो किसी की बेटी ही है। विमला जी की सास फिर गुस्सा करती और गुस्से में सबको लपेटे में ले लेती थी। विमला जी अपनी जेठानी की चारों बेटियों को बहुत प्यार करती थी और चारों उन्हें अपनी छोटी माँ समान ही समझती थी। बाकी तीन की भी शादियाँ जल्द ही कर दी। अब दीपा जी खुश रहती थी। उनके पति का देहांत तो सालों पहले हो गया था, अकेले घर में क्या करती। कभी कोई बेटी रहने आती तो कभी कोई बेटी और जवाई अपने साथ घुमाने ले जाते थे। बेटियां आती तो दिन भर अपनी चाची और माँ से बातें करती रहती थी। एक दिन उनकी सास बोली, अब बेटियां तो विदा कर दी, उन्हें भूल जाओ, अब तो मेरे पोतों की शादियां कर दो ताकि घर में पोत बहू आ जाए और जल्दी से अपने होने वाले पड़पोते का मुंह देखकर सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। सबसे पहले मनोज की शादी कर दी। रश्मि उसकी पत्नी बनकर आई। रश्मि जबान की बड़ी खारी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी तो अपनी दादी सास, ताई सास और सास ससुर का जरा भी आदर नहीं करती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बड़ा घमंड था और इसी घमंड के चलते वो घर में किसी से भी मिलकर नहीं चली, हमेशा अपने में लगी रहती थी। वो अपने ससुराल वालों को गवार समझती थी, पर मनोज की नौकरी इसी शहर में थी, इसलिए इन सब के साथ रहना रश्मि की मजबूरी थी। घर का काम तो उसकी दोनों सास संभाल लेती थी, रश्मि का मन करता तो करवाती, नहीं तो घूमने फिरने चली जाती। विमला जी बहू के आने की उम्मीद लगाई थी, पर बहू उनके पास दो मिनट भी नहीं बैठती, बस अपने काम से काम रखती और बाहर घूमने फिरने निकल जाती। विमला जी बहू के लिए बहुत करती ताकि वो उनकी बेटी बन जाए, अपने मन की कहे और उनके मन की सुने, पर वो उसमें नाकाम ही रही। कुछ सालों बाद राघव की शादी भी रचना से कर दी ताकि दादी जी की इच्छा पूरी हो सके। वो अपने जाने से पहले अपनी तीनों पोत बहू का चेहरा देखना चाहती थी। रोहन के लिए कोई लड़की मिल नहीं रही थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। तब राघव की साली नंदिनी से रोहन की शादी कर दी गई। विमला जी ये सोचकर खुश हो रही थी कि दोनों बहनें एक ही परिवार से आ गई तो दोनों उनकी बेटी बनकर रहेगी, वो बड़ी बहू रश्मि जैसी नहीं निकलेगी। लेकिन इस मामले में उनकी सोच एकदम अलग थी। दोनों बहनों ने आपस में गुटबाजी कर ली थी, अब वो दोनों बहनें अपने हिसाब से रहती थी। इसी बीच दादी जी चली गई और सोने की सीढ़ी चढ़ने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। दीपा जी अपनी बेटियों के साथ ही रहती थी, कभी कोई बेटी अपने पास बुला लेती
तो कभी कोई बेटी बुला लेती। वो अपनी नाती नातिन के साथ अच्छे से दिन बिता रही थी। उनका समय बड़ा अच्छा बीत रहा था। अब विमला जी के मन में आ रहा था कि काश उनकी अपनी भी कोई बेटी होती। तीनों भोगों की अपनी ही अलग दुनिया थी। वो उनको साथ में रखना ही नहीं चाहती थी, उनसे दूर भागती थी। सास और जेठानी जी के जाने के बाद वो काफी अकेली रह गई थी। कुछ ही समय बाद हृदयघात से उनके पति का भी देहांत हो गया। सभी रिश्तेदारों ने समझाया, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तीन बेटों बहुओं और पोते पोतियों से भरा परिवार छोड़कर गए हैं। अब विमला जी भी समय के साथ चलने लगी, घर में अपना मन लगाने लगी। अब तीनों बहुएं बिंदास हो गई थी, एक दूसरे को कुछ भी कह देती और एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगती थी। विमला जी उनकी काम को लेकर लड़ाई और रोज की चिक-चिक से परेशान हो गई थी। काम करते ही तीनों अपने अपने कमरों में बंद हो जाती थी। विमला जी उनसे बात करने को तरस जाती थी। वो अपने बेटों से कहती तो वो भी समझाते थे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बहुओं को समझ आएगी। पर अब बेटे भी उनसे दूर होने लगे थे। अब विमला जी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी। तीनों बेटे बहुओं के गुलाम बन गए थे। धीरे धीरे कब उन्होंने घर के कमरे बांट लिए और उनको खाना खिलाने की भी जिम्मेदारी बांट ली, उन्हें पता ही नहीं चला। घर का बंटवारा हो गया था और अब एक विमला जी अपने तीनों बेटों और बहुओं को अखड़ने लगी थी। बड़ी बहू रश्मि दो रोटी खिलाती थी पर साथ में 10 दाने देती थी और मंझली बहू जो करती वो छोटी बहू नंदिनी भी करती थी। बड़ी बहू कहती थी, बड़ी हूँ तो क्या हुआ, क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? अभी जायदाद का बंटवारा करोगे तो दोनों छोटी देवरानियां अपना हिस्सा छोड़ देंगी क्या? जब हिस्सा लेंगी तो फर्ज भी निभाएं। बीच की बहू रचना भी अपनी सास को ताना देती थी, देख लो सासू माँ, ना बड़ी बहू काम आ रही है ना ही छोटी बहू, पर मंझली बहू ही आपको दो रोटी दे रही है, फर्ज तो बड़ी का होता है। वैसे भी जेठ जी तो घर परिवार के लाडले रहे हैं और छोटे देवर आपके लाडले रहे हैं। मेरे पति तो बीच में ही प्यार को तरसते रह गए, फिर भी उनकी पत्नी आपको दो रोटी दे रही है। विमला जी कड़वे घूंट पी जाती। बीच बीच में वो दीपा जी से बात करके दिल हल्का कर लेती थी, वो उन्हें हिम्मत देती थी। विमला जी की बहुओं में अब ठन चुकी थी और अब कोई भी उन्हें रखना नहीं चाहता था। तीनों के बच्चे बड़े हो गए थे, उनमें झगड़े होने लगे। विमला जी गेंद की तरह इधर उधर धक्के खाती थी, कभी किसी बेटे के घर खाना खाती तो कभी किसी बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर अब उनकी उपस्थिति से घर में सबके चेहरे लटक जाते थे। उन्हें लगता था घर में उनकी किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। एक दिन वो सुबह छत से सोकर नीचे आई तो उन्हें चाय की तलब लगी। तीनों ही बहुओं ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने दरवाजा बजाया तो बेटे बाहर आए और बोले, माँ आप क्यों बहुओं को परेशान करती हो, ये घर छोड़कर क्यों नहीं चली जाती हो, इस उम्र में कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? इससे किसी को मतलब नहीं था और अपने आत्मसम्मान से और समझौता ना करना पड़े इसलिए आज विमला जी ने अपना घर छोड़ दिया। और जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो खुशी के मारे उनकी आंखें चमक गई। दीपा जी की सबसे छोटी बेटी बाहर कार लिए खड़ी थी जो उसी शहर में रहती थी। वो अपनी चाची को अपने साथ लेकर चली गई। दीपा जी ने ही उसे फोन करके सब बताया और उन्हें साथ लाने को कहा था। उसने अपने एडवोकेट पति को सारी घटना बताई और कागजात दिखाए तो वो भी हैरानी से बोला, चाची जी घर पर आपके तीनों बेटों का कोई हक नहीं है, ये घर तो दादी जी अपने दोनों बेटों के नाम किया था और जब दोनों बेटे नहीं रहे तो ये घर मम्मी जी और आपके नाम हो गया है। पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी पत्नी ही होती है, आप दोनों इसके बराबर की हकदार हैं। आप चाहें
तो अपने बेटों पर मुकदमा करके घर वापस ले सकती है और उन्हें घर से बेदखल कर सकती है। अपनी बेटी जमाई के मुंह से ये सुनकर विमला जी हैरान रह जाती है, पर वो उस समय कुछ जवाब नहीं देती है। अगले दिन दीपा जी बड़ी बेटी के घर से वापस आ जाती है और पूछती है, विमला तूने क्या सोचा? भाभी मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं कुछ करने का सोचूंगी तो लोग क्या कहेंगे? एक माँ अपने ही बेटों पर मुकदमा कैसे कर सकती है? रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? विमला जब तीन बेटे मिलकर माँ को घर से निकालकर बेघर कर सकते हैं, तो एक माँ भी मुकदमा कर सकती है। इसमें गलत कुछ नहीं है। अभी तेरे बेटे तेरी सेवा करते तो तू क्या उन पर मुकदमा करती? अपना घर भी लेना जरूरी है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कहाँ धक्के खाएगी? कौन तुझे अपने घर में रखेगा? विमला जी की बात समझ में आई। उन्होंने अपनी जमाई पर पूरा भरोसा किया और तीनों बेटों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। नोटिस मिलते ही तीनों बेटों के होश उड़ गए। आखिर माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अगले दिन कोर्ट में सब हाजिर थे। विमला जी ने अपनी बात कही, मेरे तीनों बेटों ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया है, इसीलिए मुझे अपना घर वापस चाहिए जहाँ पर ये तीनों अपने परिवार समेत रह रहे हैं। इन तीनों को माँ की दो वक्त की रोटी भारी लगती है, तो मैं इन्हें अपना घर क्यों दूँ? ये घर मेरे पति के हिस्से का है, जिसमें मेरी जेठानी जी भी बराबर की हिस्सेदार हैं। मुझे अपना घर वापस चाहिए। पति के जाने बाद मेरा भरण पोषण कैसे होगा? तो मैं ये भी चाहती हूँ कि तीनों बेटे हर महीने एक निश्चित राशि मुझे भेजे, ताकि मैं इज्जत की दो रोटी खा सकूं। माँ आप ये क्या तमाशा क्यों कर रही हैं? अपने ही बेटों को कोर्ट में घसीटते हुए शर्म नहीं आई? आप केस वापस लीजिए, हम तीनों आपको दो वक्त की रोटी दे देंगे, फालतू में कोर्ट के चक्कर लगेंगे। मनोज ने कहा, मम्मी जी अब तक हुआ जो हुआ सब भूल जाइए, आप बारी बारी से हम तीनों के पास रह लीजिएगा, चार चार महीने की रख लेते हैं, बेकार ही हम सबके मायके में भी हमारी इज्जत उतर गई कि आपने अपने ही बेटे पर केस कर दिया है। रश्मि ने समझाया, लेकिन विमला जी ने ठान लिया था वो अब जब तक जिएंगी इज्जत की रोटी खाएंगी, वो किसी की क्यों सुने। अब बात जब घर खाली करने की आई तो बेटे बहू मीठा बोल रहे हैं, वैसे रोज कड़वी बातें सुनाते थे। तुम सब कान खोलकर सुन लो, अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी, ये मेरा हक है और मैं लेकर रहूंगी। तीनों अच्छा कमाते हो तो अपने परिवार को लेकर किराए के घर में भी रह सकते हो, और तुम तीनों हर महीने मुझे खर्चा भेजोगे, मेरी बस इतनी मांग है। बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। काश तुम लोग अपने संस्कार भूले नहीं होते, काश तुम अपनी माँ की कदर करते तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। घर की इज्जत बाहर उछलती है तो उसके छेटे सब पर आते हैं। कोर्ट ने कुछ महीनों बाद फैसला सुनाया। विमला जी ने घर के कागजात दिखाए और बेटों को घर खाली करना पड़ा। उन्होंने बाकी के कमरे किराए पर उठा दिए और एक कमरे में खुद रहने लगे। तीनों बेटे उन्हें हर महीने खर्चा भी भेजने लगे। विमला जी ने अपनी बेटी और जवाई को धन्यवाद दिया और उन्होंने वसीयत भी बनाकर रखवा दी कि उनके मरने के बाद ये घर उनकी जेठानी की चारों बेटियों में बांट दिया जाए, क्योंकि ये चारों ही समय समय पर आकर मुझे संभालती हैं, बीमारी में मेरा इलाज करवाती हैं, मेरी सेवा करती हैं। अब दीपा जी भी
कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आ जाती थी। भाभी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं, जो आपको चार बेटियां हैं, विमला जी ने कहा। तो वो मुस्कुराकर बोली, ये चारों मेरी ही नहीं, हमारी बेटियां हैं। विमला जी सम्मान और इज्जत से अपना बुढ़ापा व्यतीत करने लगी। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? एक माँ कई बच्चों को पाल लेती है, पर कई बच्चे मिलकर भी एक माँ को दो वक्त की इज्जत की रोटी नहीं दे सकते। ये आधुनिक समाज की कैसी विडंबना है। कहानी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।